तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग के बारे में बढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। पिछले क्लासेस में हमने पेज स्पेशल के बारे में जाना था। पिक्चर लुकअप का वीडियो मैंने दिया है आपको, इसको आप एक दो बार देख लें, तो हम कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे पिक्चर लुकअप। ओके, तो पिक्चर लुकअप के बाद आगे की जो हमारी क्लासेज है उस पर बात करते हैं। हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। देखिए, जब भी हम कोई डैशबोर्ड, रिपोर्ट या कुछ बनाते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हमें देता है, सहूलियत देता है आइडेंटिफाई करने का, इजीली एनालाइज करने का और इजीली अंडरस्टैंड करने का, ये आखिर है क्या डेटा हमारा। तो फॉर्मेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे फॉर्मेटिंग तो नॉर्मल होती है, आपको आती है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, आप लोग यूज कीजिए। और हम एक एक्सेल फाइल खोल रहे हैं। जी हाँ, तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं थोड़ी सी ट्रिकी फॉर्मेटिंग की। जैसे मैं एमएस वर्ड खोलता हूं, एमएस वर्ड में मैं टेंथ लिखता हूं, टीएच देता हूं, स्पेस मारता हूं, टीएच ऊपर चला जाता है, चला जाता है ना सर। एनडी करता हूं, स्पेस मारता हूं, ऊपर चला गया। बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल के अंदर में अगर मैंने टेंथ में टीएच दिया तो ऊपर नहीं जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके मुझे फॉर्मेट सेल पे जाना होगा और यहां पे सुपर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे यहां पे 10 डिग्री हम स्मॉल में ओ लिखेंगे, इस स्मॉल ओ को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको सुपर स्क्रिप्ट, राइट, टेंथ और यहां पे हमने कर लिया। ऐसे मुझे 10 स्क्वायर, इसमें 10 स्क्वायर करना है तो हम यहां पे 102 नंबर फॉर्मेट में टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। नंबर फॉर्मेट लिखते हैं तो वर्क नहीं होगा क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट नंबर फॉर्मेट में वर्क नहीं करता है। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा डेटा वो करना है, डिग्री में डालना मान लीजिए, तो इन सब पे डिग्री लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे एक एक सेल पे जाके और फिर यहाँ वो लिखना पड़ेगा और फिर इसको सेलेक्ट करके सुपर स्किप करना पड़ेगा। तो ऐसा करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो एक सिंपल सा मेथड हम लगाएंगे। इसके बगल वाले कॉलम में हम लिख देते हैं ओ और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, नहीं इसको सिलेक्ट करता हूं और हम इसको लेफ्ट और अप कर देता हूं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूं, क्योंकि अगर सेल सिलेक्ट कर लिया तो पूरे सेल पे आएगा। फिर इसको सिलेक्ट कीजिए फॉर्मेट बॉर्डर, हमने सारे बॉर्डर लेता हूं मैं, ये बीच वाला जो बॉर्डर है ए नहीं लूंगा, सिर्फ ए लूंगा बॉर्डर, ए बॉर्डर जो है इसको नहीं लूंगा। और फिर दो तरीके, एक तो इसकी इसको सेलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड को व्हाइट कर दो। तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों अलग अलग सेल में, इसको छलावा की तरह इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आया उषा जी समझ में, सुधीर जी? जी सर। किसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उस तरह से मैं यहाँ पे H2O कर दिया और H2 को मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और सुपर स्किप करता हूँ। नहीं, सुपर स्किप ऊपर कर देगा, नीचे के लिए सब स्किप होता है। हो गया। उसके बाद मान लीजिए कहीं से कुछ मैटर हमने कॉपी पेस्ट मान लीजिए किया हुआ है, मैं एक मार्क वर्ड में आता हूँ, वर्ड में मैं लिखता हूँ इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर पेज किया। अब मान लीजिए हमने इसी को कॉपी कर लिया, अब इतने बड़े पैराग्राफ को पेस्ट करना है हमें, तो हमें एक बड़ा एरिया चाहिए, तो हम बड़ा एरिया इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं, कॉलन करके बड़ा कर सकते हैं,
या फिर हम इससे क्या होगा पूरा का पूरा रोन कॉलर इफेक्टेड होता है, तो एक सिलेक्ट एरिया को सिलेक्ट करके मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, इस पे डबल क्लिक करके मैं उसको पेस्ट करता हूँ, फिर यहां से मैं लेफ्ट करता हूँ और यहां से रैप करता हूँ, रैप करने पे ये पूरा इस तरह से दिखेगा, सेंटर कर दीजिए तो बीच में आ जाएगा। यहां पे मान लीजिए कि एक वर्ड गलत है, कीवर्ड एक गलत है, मुझे पता करना है कि गलत है, तो मैं डबल क्लिक करके इस पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और इसको स्टिक थ्रू कर दिया, कलर स्टिक थ्रू कर दिया, और इसकी कलर भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, इससे जो इसको पढ़ेगा पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। लेकिन क्या अगर इसी तरह का अगर मेरे पास डेटा में हो, तो हमारे पास डेटा है तो ठीक है, मुझे डेटा वो गलत साबित करना है, तो अगर मान लीजिए प्रिंट आउट होता तो हम पेंसिल से जाते और इसको यहां से इस तरह से क्रॉस कर देते, बट ये प्रिंट आउट नहीं है, हार्ड कॉपी है, कैसे करें? तो इसको हम क्या करेंगे, मैं एक बार डिलीट कर देता हूं इसको, क्लियर ऑल, इसको सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल, और यहां हम बॉर्डर पे आते हैं, इसको सिलेक्ट किया, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं, मैं रेड कर लिया और इसको सिलेक्ट किया, देन ओके हो गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जी मैं जैसे ये आपने क्रॉस कर दिया टोटल में तो लेगा ही ना, हाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए फॉर्मेटिंग से आपके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और मैं चाहूँ जैसे मैंने जो क्रॉस किया वो मेरे टोटल में ना आए, ऐसा कुछ होता ऑप्शन? नहीं ऐसी चीजें अभी नहीं है, फिलहाल अभी बता रहा हूँ आपको, इसमें टिक का निशान लगाना है तो बॉर्डर पे आइए, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, आगे जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो चीजें हैं ये चीजें आपके सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है, दिखावे के लिए है, इससे आपके और आपकी वैल्यू पे आपकी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे वैल्यू पे सबसे इफेक्ट पड़े तो फिर आपको इसके लिए जो है कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कैप में P को लिखा और नीचे तक इसको ड्रैग कर देता और इसके ऊपर एक होता है आपके सामने बाइंडिंग टू का फॉन्ट, या बेडिंग टू होता है या बाइंडिंग टू होता है, आ गया सर बाइंडिंग टू का फॉन्ट आ गया। अब मैं क्रॉस ओ करता हूं सर, तो क्रॉस के लिए ओ डाल दीजिए। अब ये क्या है कि इसमें हम कर सकते हैं, हम सामिस लगा सकते हैं जो कि पी को ही सम करेगा, तो हम इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं, इसके भी यहाँ पे कंडीशंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में दिख रहा है क्रॉस एंड टिक का निशान बट है तो पी या ओ, समझे सर? इसके भी हिसाब से हम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो फॉन्ट है हमारा। अब ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर में कि आपकी जो फॉन्ट है ये फॉन्ट आपके सिस्टम में हो ही नहीं, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना सर?
तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में मैं यहां पे कैप में जे को रखूंगा और इसके ऊपर फॉर्मेट सेल पे आता हूं, अलाइनमेंट में जाता हूं, इसको -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दूंगा। जी हाँ, -45 डिग्री पे हम इसको रोटेट कर देंगे। ओके सर, देखिए क्या ये जो एंगल हमने चेंज किया इसका इतना ही यूज है, कुछ और यूज भी है? जी कुछ और यूज भी है। चलिए एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं, मैं यहाँ पे नेम और मैं अक्टूबर का डेट डाल देता हूँ, और यहां पे कुछ नेम देते हैं, और यहां पे प्रेजेंट एब्सेंट जो डालना है डाल देता हूं। अब प्रॉब्लम है कि इसको एक पेज में प्रिंट आउट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे हेडिंग बड़े बड़े हैं, हम कितना भी छोटा करेंगे फिर भी इसको एक पेज से प्रिंट आउट निकल नहीं पाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा तो छोटा है, सिर्फ हेडिंग हमारा बड़ा है, तो क्यों ना हेडिंग को सिलेक्ट करके इसको रोटेट कर दिया जाए, इसको 90 डिग्री के एंगल पे हमने इसको रोटेट कर दिया, कर दिया सर 90 डिग्री के एंगल पे हमने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, और जैसे हम इसको प्रेजेंट, आप देखिए एक पेज प्रिंट आ गया। तो ऐसे भी यूरोपियन इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अलाइनमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें जैसे कि रैक टाइप के बारे में बात करेंगे हम। मैं यहां पे देता हूं सुधीर एंड कुमार लिखता हूं, तो आप देख रहे हैं कि अगले कॉलम में आ रहा है, आगे सेल पे कोई वैल्यू नहीं है, इसे सुजीत कुमार पूरा दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं यहां पे कोई वैल्यू डालूंगा ए आ जाए। अब मैं इसको यहां से रैप करता हूं, रैप किया, आ गया सुजीत कुमार। ठीक है सर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें रैप करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहां पर डबल क्लिक करके इसको ऑटो फिट कर लेते। तो रैप अगर मान लीजिए कभी कभी हम करते भी है, तो हम मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से रैप, तो मैं यहां अगर देता हूं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूं, आ गया सर। तो जहां से आप तोड़ना चाहते हैं वहां से आप ऑल्ट एंटर प्रेस करें, फुट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ना कॉलम को बड़ा करना चाहता हूं ना रो को बड़ा चाहता हूं, मैं चाहता हूं जितना बड़ा टेक्स्ट का साइज है मेरा लेटर इसी में फिट हो जाए। अरे एक सेकंड, हेलो,
हेलो हेलो वाइकिंग सर का कोई कॉल आ गया मुझे लगा। सॉरी सर, हेलो तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से स्प्रिंग टू फिट कर देंगे। रहेगा सर स्ट्रिंग टू फिट। सर ये मिडल में गैप बहुत हो जाता है आपका वॉइस में। नहीं गैप नहीं, मैं तो चुप हो गया था सर। बोलते रहिए सर, हम सुन लेते हैं। आपकी रिप्लाई के लिए हम चुप हो जाते हैं ना, क्योंकि कुछ पूछेंगे आप। तो स्ट्रिंग टू फिट क्या करता है कि आपके साइज को एक टेक्स्ट के में फिट कर देता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अलाइनमेंट के बाद इसमें रैप टेक्स है, मर्ज है। मर्ज में देखा आपने, मर्ज किया था पूरा मर्ज हो जाता है। इसमें एक आता है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज करके बीच में सेंटर कर देता है। ठीक है, फिर यहां पे आता है मर्ज अक्रॉस, एक एक करके इस तरह से मर्ज करता है। मर्ज अक्रॉस ओके, उसके बाद बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में, क्योंकि नंबर पे ही हमारा सबसे ज्यादा काम होता है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में बाय डिफॉल्ट जो टाइप करते हैं वो जनरल होता है। बाय डिफॉल्ट जो हम टाइप करते हैं वो जनरल होता है। ठीक है,
नंबर फॉर्मेटिंग में आते हैं हमारे, तो ये हमारा नंबर है जिससे माइनस 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका माइनस फॉर्मेट शो करेगा। हमें रेड कर दिया ये मतलब रेड हो जाएगा, अगर हमने इसको ब्रैकेट कर दिया तो दोनों तरफ ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अगर हमने कलर कर दिया तो कलर हो जाएगा। थाउजेंड सेपरेट यहाँ से डाल सकते हैं, डेसिमल प्लेस से डाल सकते हैं, सेम करेंसी में आप यहाँ पर अपने करेंसी का सिंबल डाल सकते हैं, INR जो भी करेंसी सिंबल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, करेंसी का सिंबल। फिर यहाँ अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग की बात कर सकते हैं, डेट में आए हम यहाँ पे डेट, हम यहाँ पे डेट इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, अकाउंटिंग का एक यूज और भी होता है सर, क्या बताता हूँ आपको चाहिए। और पूरे एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया, कस्टम में आते हैं, नहीं यहाँ पे कस्टम में फेस स्पेशल, और यहाँ हम जाते देते हैं अपना अकाउंटिंग और इसको नन कर देते हैं। नन करने के बाद जीरो कर दीजिए, देन ओके कीजिए, क्या होगा देखिए। ओके, इस तरह से हो जाएगा। ये जीरो था वो अट गया ना, जीरो डैश बन गया, लेकिन ये एक्चुअली में डैश दिख रहा है, एक्चुअली जीरो ही है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को नहीं, ओरिजिनल वैल्यू आपका सेम ही है। ठीक है, विदाउट इसमें सर, इसमें नन किए थे और डेसिमल्स को हमने जीरो किए थे बस, है ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उसके बाद हम नंबर फॉर्मेटिंग में आगे बढ़ते हैं, डेट है हमारा, डेट की फॉर्मेटिंग जैसा डालोगे ऐसा डेट दिखेगा, यहाँ से कंट्री है, आप अपने हिसाब से कंट्री चेंज कर सकते हो। टाइम का फॉर्मूला है यहाँ पे, ये आपका टाइम अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो टाइम अलग अलग कंट्री है और अलग अलग टाइमिंग फॉर्मेट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए कि 45 घंटे 20 मिनट हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है टाइम फॉर्मेट में 37 30 55 का डेट हम डालेंगे, 37 30 55 का डेट डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद परसेंटेज में हम परसेंटेज का यूज करते हैं, सिंपल सा फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने यहां पे अगर 2.5 कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो यहां हम फ्रैक्शन में इसको सेलेक्ट करते हैं, आ गया। तो यहाँ पे साइंटिफिक है हमारा, साइंटिफिक जाता है टेक्स्ट, टेक्स्ट इंपोर्टेंट है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेक नंबर देना, चेक नंबर, तो इसमें क्या होता है जीरो जीरो लगाते हैं, जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, हम क्या करेंगे सिंगल कोड लगाएंगे यहाँ पे और जीरो जीरो डालेंगे फिर एक्सेप्ट कर लेगा। तो पूरे कॉलम में मुझे चेक नंबर डालना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल कस्टम, और यहाँ पे कस्टम नहीं तो टेक्स्ट, टेक्स्ट में आते हैं, ओके कर देते हैं। अब आपको सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर टाइप कर सकते हैं, तो टेक्स्ट हो जाता है। इसे भी फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला इससे अप्लीकेबल नहीं होगा, तो फॉर्मूला फॉर्मूला ही दिख जाएगा, राइट। लेकिन मान लीजिए किसी ने टाइपिंग कर दिया है, मुझे इसमें जीरो ऐड करने हैं,
तो क्या करेंगे इसके लिए, सिलेक्ट करेंगे, कस्टम पे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाला हमने, देन ओके। समझे, ये क्या था, कस्टम फॉर्मेटिंग था। ये जो कोर्स आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जो कोर्स देखते हैं, इसी कोर्स की पढ़ाई हम आगे अभी करने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हम आपको पढ़ाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग पहले देखने के लिए देते हैं ना। तो मैं कस्टम फॉर्मेटिंग की रिकॉर्डिंग हम आपको देने वाले हैं, अभी मैं व्हाट्सअप कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग को आप अच्छे से एक बार देख लें, फिर हम कल इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आपके पास कोई डाउट हो, किसी तरह के क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। सर, कल आपने हम लोग को फॉरवर्ड किए थे ना पिक्चर, पिक्चर लुकअप की वीडियो, उसको एक दो बार देखिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर हमने मैंने तो देखी एक दो बार, बट स्टिल मैंने, मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ, मैंने सोचा कि आप आज किए तो मैं समझ रहा हूँ। और दूसरा, आपने यहाँ पे जो मैसेज भेजा था ना, आपने क्या लिखा था, पेस्ट एज ए लिंक। हमने क्या बोला था कि जब मल्टीपल जब हम यूज करते हैं, उसमें बहुत कम फीचर वर्क करता है, तो मल्टीपल सेल को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो पेस्ट एज ए लिंक नहीं होगा, ठीक है। आपने तो 3 कॉलम सिलेक्ट किए थे हमको, आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है, हमने बात की थी नॉर्मल कॉपी पेस्ट की, समझे। सर ये कंट्रोल से मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट की, उसको पेस्ट नहीं कर पा रहे। बता तो रहा हूँ कि इसको सेलेक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट किया आपने, ठीक है ना, जिसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट आपने पेस्ट लिंक किया था। हाँ हाँ सर, पेस्ट लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, आपने क्या गलती किया तो बताता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं। आपने गलती ये किया था, आपने 3 सेलेक्ट कर लिया, फिर 2 सेलेक्ट किया, फिर 1 सेलेक्ट किया, अब कॉपी करें, अब नहीं होगा, नहीं हुआ ना सर। ओके, मतलब कि इससे सेम सेम रोज या सेम सेल्स सेलेक्ट होना चाहिए। जी 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 जी, एक साथ इकट्ठा। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सर।